प्यारे बच्चों, मैं रामपुर प्रजापति पंडित दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज महाराजगंज अपने अगले वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप पढ़े थे भोजन की आवश्यकता के बारे में कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। इसके बारे में पढ़े थे कि हमारे प्रतिदिन के क्रियाकलाप जो हैं शरीर की उचित वृद्धि और विकास के लिए, हमारे जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हो जाती हैं या चोट लग जाता है उसकी मरम्मत के लिए या नई कोशिकाओं को आने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, संक्रमण से और रोगों से बचाव के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है, इसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन के अवयव के बारे में, जो हम भोजन खाते हैं या करते हैं उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं जो हमारे शरीर की उचित वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। प्यारे बच्चों, यह हमारे भोजन के मुख्य जो अवयव होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल हैं। प्यारे बच्चों, ये 6 प्रकार के जो तत्व होते हैं वह हमारे शरीर को उचित वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। इसके अलावा इन पोषक 6 पोषक तत्वों के अलावा भी हमें रुक्षांश या रेशे की आवश्यकता होती है। यह रुक्षांश जो होते हैं यह हरी सब्जियां, फल, फलियां, सलाद आदि में पाए जाते हैं। ये रेशे जो होते हैं जिन्हें हम रुक्षांश कहते हैं, ये हमारे पाचन तंत्र जो होता है पाचन क्रिया को सही ढंग से चलते रहने के लिए या उनकी क्रियाकलाप को सही ढंग से सुचारू रूप से चलते रहने के लिए यह आवश्यक होते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा देने वाले कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हमारी टूटी फूटी हड्डियों को या हड्डियों की मरम्मत करने के लिए या वृद्धि विकास में सहायता जो पोषक तत्व देते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।